हेलो गर्ल्स, आज हम प्रसार शिक्षा के यूनिट फोर्थ संचार के बारे में डिस्कस करेंगे। संचार शब्द वैसे तो बहुत व्यापक शब्द है और उसका अर्थ कुछ लाइनों में बता पाना कठिन होगा, लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने जिस जिस तरह से उसकी परिभाषा दी है, उसमें से लिगन्स की परिभाषा आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, अब बताते हैं संचार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, जिसको सर्व सामान्य बनाना। हिंदी वर्ड हुआ सर्व सामान्य बनाना। किसी विचार को सर्व सामान्य बनाना संचार का प्रमुख उद्देश्य होता है और यही इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। लिगन्स ने कहा है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों आदि को एक सांकेतिक भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाता है और फिर उसका अनुसरण करके वह व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं, तो वह संचार प्रक्रिया कहलाती है। संचार प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा है संकेत वाचन और तीसरा है संकेतीकरण। तो पहला है प्रेषक। प्रेषक जो होता है, यानी कि जैसे मैं आपको लेसन दे रही हूँ, वैसे ही एक प्रेषक होता है जो अपने विचारों को एक बड़े जन समूह तक पहुँचाने का प्रयास करता है। फिर होता है संकेतीकरण। संकेतीकरण में भाषा और किसी संकेतों का चयन किया जाता है, किसी मीडिया का चयन किया जाता है, जैसे कि YouTube या फिर अपन ये जो लैपटॉप वगैरह पे देखते हैं। आजकल मास मीडिया का यूज़ बहुत होता है, लेकिन उसके अलावा भी प्रसार शिक्षा में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड्स और विभिन्न प्रकार के मुद्रित और अमुद्रित प्रेषित सामग्रियाँ। उनका प्रयोग करके हम किसी बात को लोगों के एक बड़े जनसमूह तक पहुँचा पाते हैं और फिर वो उसके व्यवहारिक परिवर्तन का मूल कारण बनते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया प्रेषक होता है, प्रेषक के बाद होता है संकेतीकरण। संकेतीकरण के द्वारा जो ग्रहण करने वाला होता है उसको कहते हैं ग्राही। ग्राही जो होता है वो संचार को पूर्णतया ग्रहण करने के लिए आतुर रहता है। अब ग्राही के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ग्राही जो होता है, एक तो अर्ली अडॉप्टर होता है और एक लेट अडॉप्टर होता है। अर्ली अडॉप्टर जो स्वतः आगे आकर उस कार्य के लिए इच्छुक हो और स्वयं उसको करना चाहे, उसको अर्ली अडॉप्टर कहते हैं, यानी कि शीघ्र ग्राही। एक होता है स्लोअर, यानी कि उससे धीरे वाला, जो अपनी एक्टिविटी को शो तो करता है लेकिन कुछ देर बाद करता है, दूसरों को देखने के उपरांत उनका अनुसरण करके करता है। तो दूसरा हो गया आपका शीघ्र ग्राही और एक हो गया ग्राही, सिंपल ग्राही। फिर आते हैं अपन, उसके बाद आता है संकेत वाचन। संकेत वाचन के द्वारा, यानी कि संकेतीकरण को कहते हैं एनकोडिंग और संकेत वाचन को कहते हैं डीकोडिंग। डीकोडिंग के द्वारा व्यक्ति उस संचार की प्रक्रिया में देने वाले संदेश को समझता है और उसके समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारता है। तो ये संचार के तीन चरण हैं। इन चरणों के द्वारा संचार की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब संचार की कुछ विशेषताएं होती है। संचार जन सामान्य को जागरूक करने के लिए बहुत आवश्यक है। आज संचार हर फील्ड में, हर क्षेत्र में संचार का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे वह शिक्षा का हो या फिर सामान्य गृह कार्यों का हो या फिर अपने ये सोशल मीडिया का हो, न्यूज़ चैनल्स, अखबार, मुद्रित और छपित सामग्रियाँ, मैगजीन्स, ये सारे संचार के माध्यम होते हैं। ये संचार के माध्यम होते हैं और प्रॉपर चैनल के द्वारा जब इनको प्रेषित किया जाता है तो सामने वाला ग्राही उसको आसानी से ग्रहण करता है। संचार अपने मूल रूप में बहुत व्यापक है और इसको समझने के लिए इन तीन चरणों को समझना बहुत आवश्यक है, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, प्रेषक, संकेतीकरण और संकेत वाचन, ये तीन चरण हैं। इसके बाद आता है कि संचार के कार्य क्या है। संचार के कार्य है कि वह लोगों को जागरूक बनाए। सबसे पहला कार्य हुआ भावनात्मक कार्य। भावनात्मक यानी लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए उनको ऐसा संदेश ज्ञापित किया जाए कि वह शीघ्रता से ग्रहण करे। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है, तो इस डर को हटाने के लिए यदि अपन कोई कैंपेन चलाएं और उसमें लोगों को जागरूक करें, तो उसमें
उनको उन सभी अव्यवस्थाओं से दूर रखकर ये बताया जाए कि कोरोना वायरस से लड़ना हमारा ध्येय है, और उसमें मास्क पहनना, 2 गज दूरी रखना, ये सब बातें इंक्लूडेड है, तो इससे आप बच सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन लगाने से, कोरोना की वैक्सीनेशन से आपको कोई तरह का नुकसान नहीं होगा, इसके बारे में अपन लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये हुआ भावनात्मक, एक एक उसको मोरल सपोर्ट देने के लिए संचार प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद आता है संचार का प्रमुख कार्य होता है व्यवहारों में परिवर्तन लाना। जब संचार प्रक्रिया पूर्ण रूपेण सफल होती है तो व्यक्ति अपने व्यवहारों में परिवर्तन भी लाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं स्लम एरिया में बच्चों को फीडिंग टेक्निक के बारे में बता रहे हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए। हाथ खाना खाने से पहले सिंपल सी टेक्निक है, हाथ धोना जरूरी है। तो हाथ धोने की उनको एक प्रैक्टिस करवाने के लिए जाकर उनको पोस्टर के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या फिर चलचित्र के माध्यम से, या एक छोटे से नाटक, लघु नाटक के थ्रू उनको समझाया जा सकता है कि हाथ धोना क्यों इम्पोर्टेंट है। हाथ धोने से जर्म्स जाते हैं, हाथ धोने से आपको प्रोटेक्ट मिलता है जर्म्स से, और उसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो वो फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस तरह से उनको अवेयर और जागरूक बनाया जा सकता है। साफ सफाई और स्वच्छता का पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए, ये भी समझाया जा सकता है। तो संचार यानी कि दो व्यक्तियों में आपसी ऐसा तालमेल कि जिसमें वो जो संदेश देना चाहता है, संचार करना चाहता है प्रेषक, वो सामने वाले तक पहुंचे, और उसमें संदेश वाहक बनते हैं विभिन्न मीडियाज, जैसे कि पोस्टर, चलचित्र, लघु नाटिका, कठपुतली, प्रदर्शनी आदि। इन सब का प्रयोग करते हुए अपन संचार को सफल बना सकते हैं। एक टीचिंग मेथड में व्याख्यान माला होती है, और उसके अलावा होती है आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा भी अपन अपने संचार को प्रभावी और सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।